Hello guys, hope you guys are fine. First of all, I am wishing you all guys to all my friends, all my YouTube friends, YouTube family, wishing a very happy Republic Day. आज गणतंत्र दिवस है. गणतंत्र दिवस को संविधान दिवस भी बोल सकते हैं क्योंकि आज के दिन संविधान लागू हुआ था. आज के दिन मैं इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहा था आज, तो मुझे एक कविता मिली जो धूलित साहब हैं, इसके जो राइटर हैं, जो कवि हैं, वो धूलित साहब हैं. और वो क्या खूब लिखा है उन्होंने, तो मैं वो मतलब काफ़ी समझने वाली चीज़ है. और ये ठेठ भाषा है और ठेठ कवि भी इनको बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. उन्होंने कहा क्या है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है, एक तीसरा आदमी भी है जो जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है. मैं पूछता हूँ वो तीसरा आदमी कौन है, वो तीसरा आदमी कौन है जिस पे मेरे देश की संसद मौन है. तो काफ़ी समझने वाली बात है कि वो तीसरा आदमी कौन है. इनडायरेक्टली इन्होंने एक प्रहार किया है, वो आप भी समझ सकते हैं और लोग भी समझते हैं, संसद भी समझती है. तो ये कटाक्ष है, एक राजनीतिक कटाक्ष जो इन्होंने, कभी लोग जो होते हैं ना बेबाक होते हैं, वो अपनी कलम से कुछ भी लिखते हैं और बेबाकी से लिखते हैं. तो ये मुझे पसंद है. मैं सोचा कि आज अपना रिपब्लिक डे के अवसर पे, के दिन पे इसको शेयर किया जाए. तो होप यू गाइज विल लाइक दिस. और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. और मैं इसमें लिंक दे रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम मेरी जो आईडी है वो आपको लिंक में भी मिल जाएगी और इधर मैं मेंशन भी कर दूंगा, उस पर मुझे फॉलो भी कर लीजिए. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग.